हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। और आज वंस अगेन मैं टॉपिक लेके आया हूँ कोरिलेशन। ये पूरी सीरीज चल रही है। पहले मैं आपको आपको बताया था सेंट्रल टेंडेंसी के मीन मोर मीडियन, देन उसके बाद मैंने अगली वीडियो में जो बताया था वो मैंने बताया था वहां पे क्वांटाइल डेसाइल परसेंटाइल, ताकि एक साथ आपको क्लियर हो जाए कितने फॉर्मूले हमको स्टेट्स के अंदर पढ़ने हैं। तो आज नेक्स्ट जो है वो किसका है, कोरिलेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि कैसे आप कोरिलेशन के अंदर आपको जो फॉर्मूला जो है वो आपको अप्लाई करना है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट मेथड है कार्ल पियर्सन मेथड, जिसको अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे वहां पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए कितने फॉर्मूले हैं आपके पास, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड एंड तीसरा स्टेप डिविजन। और ये सब आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे अगर आपने ढंग से मेरा मीन मोन मीडियन वाला चैप्टर जो है उसके जो फॉर्मूले हैं वो बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में आपने समझ लिए हैं। और अगर वो समझ लिए हैं तो स्टेट्स के बाकी सब फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से और इजी वे में समझ में आ जाएंगे। तो मैं दोबारा आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस टॉपिक को की वीडियो को देखने से पहले मेरी पहले की दोनों वीडियो जो है स्टेट्स के फॉर्मूला की बेस पे वो जरूर देखें, ताकि ये आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर आप देखिएगा एक्चुअल मीन के थ्रू आपको डायरेक्ट मेथड के थ्रू जब आपको निकालना है आर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई अपॉन रूट समेशन एक्स स्क्वायर इनटू समेशन वाई स्क्वायर। यहां पर जो एक्स का मतलब क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, और हमें पता है एक्स बार कैसे निकालते हैं, समेशन एक्स अपॉन एन एंड समेशन वाई अपॉन एन, ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। ये वाई बार आपका आ जाएगा, तो ये एक्स वाई का मतलब जो यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो ये इन दोनों का मतलब है, ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। और रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट वाई स्क्वायर के हमको क्या करना है, स्क्वायर करके यहां पर निकालना है। दूसरा हमारा मेथड कौन सा है, शॉर्टकट मेथड, अजूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अगर मैं हिंदी में अगर इसको बोलूं तो ये वही वाला आपका हो गया प्रत्यक्ष विधि, जो मैंने पहले भी लिखा था, यह आपका हो गया कल्पित माध्य विधि, और तीसरा आएगा पद विचलन विधि। यहां पर dx का मतलब क्या है, x माइनस a, और dy का मतलब x माइनस y माइनस a, a का मतलब क्या था, अजूम्ड मीन, जो हम लोगों को पूरी x की जो सीरीज होगी वहां पर किसी एक वैल्यू को हमें a मानना पड़ेगा और जिसके थ्रू हमारा ये निकलेगा। वहां पर हमने सिर्फ d लिखा था, या हम dx dy लिख रहे हैं ताकि पता चले कि d किसका है, वो x का है या d हमारा y का है। देन ये पूरा फॉर्मूला है, यहां पर x का स्क्वायर करके d से मल्टीप्लाई है, यहां पर dx upon n का होल स्क्वायर है, ये थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान में रखना। देन स्टेप डिविजन मैंने पहले ही बताया था, जब x की वैल्यू में प्रॉपर गैप है, इक्वल गैप है, तभी यह फॉर्मूला लगेगा। और वहां पर हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डी डैश है, और ये मैंने पहले ही बताया था डी डैश का मतलब क्या होता है, डी एक्स अपॉन सी, सी या तो आप सी लिखो या फिर मैंने वहां पर आई लिखवाया था आपको, या फिर आप वहां पर क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो, मतलब गैप जो वैल्यूज है इंटरवेल, क्लास इंटरवेल जो है उसके बीच में जो गैप है वो आई के रूप में मैंने डिनोट किया था। अगर एन लिखना है, सी लिखना चाहो तो आप सी भी लिख सकते हो, इस तरह से आप इस फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि आपको फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है तो वो आपको समझ में यहां पर आ गया होगा, और इन फॉर्मूले को समझने का या फिर इन फॉर्मूले को लर्न करने का एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अगर ये फॉर्मूला सिंपल आप देखोगे तो आपको कभी याद नहीं होने वाला है, आप क्या करोगे हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन जब आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे तो आपको वो चीज जुबा पे आपके दिमाग में याद नहीं रहेगी, आपके हाथ पे वो चीज याद रहने वाली, और आप उस फटाफट फॉर्मूले को करेक्ट लिख लोगे। तो कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर फॉर्मूले को रटना नहीं होता है, फॉर्मूले को समझना होता है और उस फॉर्मूले को लर्न करना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दी, आई होप ये फॉर्मूले और जो चीजें मैंने समझी आपको अच्छी लगी होगी। वंस अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपका अपना अविनाश है, और बने रहिए इस पूरी सीरीज के ऊपर, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है इंडेक्स नंबर के ऊपर, तो वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, आप अपने नोटिफिकेशन को चेक करते रहे। थैंक यू, आपका अपना अविनाश है।